इनको जो है स्टेज पर बुलाकर जो है इनका जो है लेक्चर सुनिए। माँ रेहाना आजमी स्टेज पर तशरीफ फरमा, मेहमाना अजीज साजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एडवोकेट शहीद शाहिद आजमी की शहादत को तकरीबन 10 साल से ज़ायद हो चुके हैं और उसी के तसलसल में आज का ये लेक्चर भी यहाँ रखा गया है। जो फाइट उन्होंने इंडस्ट्रीज के खिलाफ ऑपरेशंस के खिलाफ छेड़ी थी, आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे कहीं शाहिद आजमी सड़कों पर कोर्ट्स में इस इंडस्ट्रीज के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ रही। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम अगर एक शाहिद आजमी को मिटाना चाहोगे तो हज़ारों लाखों शाहिद आजमी जो उसकी जगह खड़े हो जाएंगे। तो काबिल मुबारकबाद है ऐसी माएँ कि जिन्होंने शाहिद आजमी जैसा बेटा हिंदुस्तान को दिया, जिसने इंडस्ट्री से खिलाफ अपनी लड़ाई को बड़े अज़्म और हौसले से लड़ा। अजीज दोस्तों, इस उन्वान के तहत मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी है। वो CA NRC और NPR के ताल्लुक से, इस हवाले से मुस्लिम्स का क्या रोल हो और उसको किस तरीके से आगे लीड किया जाए, इस हवाले से आपके सामने कुछ बातें इंशाल्लाह रखूँगा। जब मुझसे कहा गया कि आपको रोल ऑफ मुस्लिम पे बात करनी है, तो एक सेंटेंस में मेरे जहन में ये बात है कि मुसलमान आज वही रोल प्ले कर रहे हैं जब वो आज़ादी के वक्त प्ले कर रहे थे, जो हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने की, यहाँ की डाइवर्सिटी को बचाने की और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के रूप को बचाने के लिए, जो उनका जन्म तहजीब है उसको बचाने के लिए। तो आज मुसलमान जो हिंदुस्तान में कलीदी किरदार जो यहाँ पर अदा कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर नफरत की राजनीति करना चाहते हैं उनको बात ही समझ जानी चाहिए कि ये नफरत से कोई ये ऐसी राजनीति है, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। ये अपने आप में जो है फ्रेजाइल है और डिसइंटीग्रेट करने का काम करती है। मुसलमान जो है असल में वक्त भी और उस वक्त भी जो है हिंदुस्तान की रूह के लिए जो है लड़ाई कर रहे हैं। आप इस बात को इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हालिया में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो जो मुखालिफीन थे उन्होंने इस तरह के नारे भी दिए कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे और फैसला जो भी आए। लेकिन आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो मुस्लिम जमातें या क़यादतें थी उन्होंने वहाँ पर जो स्टैंड लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए जो भी फैसला होगा उसको, हमारा ये स्टैंड है कि ज़रूर बज़रूर बाबरी मस्जिद जो है उसको गिराना एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक गैरकानूनी काम था। अलबत्ता जो भी फैसला होगा वो हम उसको मानेंगे। तो वहाँ पर ही मुसलमानों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बचाने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी अपनी पेश की। अब इस हवाले से कि इस मूवमेंट के अंदर मुसलमान स्टूडेंट्स का क्या रोल है, तो ये मूवमेंट जो पूरी खड़ी हुई है अलबत्ता वो स्टूडेंट्स के ज़रिए से ही खड़ी हुई है। आप देखें इसकी शुरुआत जो है आसाम से होती है और आसाम की जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है आसाम, वहाँ के जो लीडर हैं वो फर्स्ट जो है UAPA का रेकमेंडेशन लॉ का शिकार होते हैं जब वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात करते हैं। इसके बाद वो पूरा प्रोटेस्ट जो है जामिया इस्लामिया के
जिंदा नौजवान लड़के और लड़कियों के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में फैलता है। वहाँ की लीडरशिप जो है वो यंग स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं और वो अपने हौसलों के ज़रिए से, अपने खून के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान को बचाने की बात करते हैं। असल में अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पूरी मूवमेंट जो चल रही है उसको आगे किस तरीके से लीड किया जाएगा और आगे हम किस तरीके से काम भी कर रहा हूँ और उसमें मुस्लिम्स का भी क्या रोल होगा। तो बहुत पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि शॉर्ट टर्म चीज़ हमको ये करना हो कि हमको जो NPR है ये समझना हो कि वही NRC है। NPR इज नथिंग बट NRC। तो पूरी कोशिश के साथ, पूरी स्ट्रगल के साथ हमारा पहला जो रोल होगा, जो पहला जो गोल होगा वही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है प्रोटेस्ट के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से और तमाम कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के ज़रिए से हैं इस बात पर आमादा करें, प्रेशराइज करें कि वो NPR को वापस लें। क्योंकि CA जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और वो तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसके इम्कान है कि लंबा चल सकता है। अलबत्ता ये जो है सामने भी 30 अप्रैल और अप्रैल में चीज़ आने वाली है। तो पहला जो बहुत ज़्यादा कोर काम जो है इस हवाले से करना है पूरी मूवमेंट के, वो ये है कि स्टेट वाइज मोबिलाइजेशन के ज़रिए से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका प्राइमरी और अर्ली गोल ये हो कि वो NPR के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ और पूरी हौसले के साथ जो है गवर्नमेंट के सामने ये बात रखे कि NPR को वापस दिया जाए। इसके ज़रिए से अगर ये चीज़ हो जाती है तो चूँकि हम सब जानते हैं कि NRC का जो है फर्स्ट स्टेप है, तो फिर कभी भी रात के 8 बजे कोई भी आकर एक लिस्ट जारी कर सकता है जहाँ पर आपको डाउटफुल वोटर बता सकता है और आपकी जो है जमहूरी हुकूक जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में उसके ऊपर एक जर पड़ सकती है। तो पहला जो बहुत बुनियादी काम होगा वो ये होगा कि NPR को वापस दिया जाए। अब ये काम बहुत सारे लोग बहुत सारी सतह पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमको पब्लिक कॉन्शियस और कंसेंसस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो हम इस चीज़ से वाकिफ हैं कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से अवेयर नहीं है। जो लोग अवेयर भी हैं तो कुछ लोग इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, बिकॉज ये उनको लगता है कि ये उनका सवाल नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। तो एक तरीके से हम ये सवाल भी हमारे सामने सोच सकते हैं कि अगर वाकई हम ये बात पूरी ठोस तरीके से कह रहे हैं कि इसे मुसलमानों का मसला नहीं है, ये गरीबों का, आदिवासियों का, बहुजन समाज का और मुल्क के गरीब तबके का बड़ा मसला है, लेकिन एक तरीके से सवाल हम ये भी सोच सकते हैं कि आगे भी अगर ऐसा कोई मसाइल आए जो महज सिर्फ मुसलमानों का मसला हो तो क्या हम जब आवाज़ दें लोगों को तो वो लोग हमारी आवाज़ पर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या हमको हर मसले को ये बताना पड़ेगा? ये मसला चूँकि असल में है पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन जो मसले हैं जो मुसलमानों से स्पेसिफिक हैं जिसमें उनको टारगेट किया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि हम भी इसको समाज का मसला बनाकर पेश करें ताकि लोग साथ में? तो ये बड़ी सोचने की बात है कि कौम जो है, एक समाज जो है हिंदुस्तान, वहाँ के लोगों आपके साथ सिर्फ इस बुनियाद पर आएगी ये उसका मसला है, इंसानियत की बुनियाद पर ना आए, ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर ना आए? तो ये बड़ा सोचने का सवाल है। इसके ताल्लुक से दूसरी बात जो अहम है, जो मुस्लिम रोल की बात की गई है, वो ये है कि जो मुसलमानों का स्टैंड भी इश्यूज को लेकर, वो भी बड़ा साफ और क्लियर होना चाहिए कम से कम इस मूवमेंट के बाद, कि जो अल्लाह ताला का हुक्म दिया गया है कि जो तुमको है अदल इंसाफ के लिए खड़ा हो जाना। तो अब जो जमातें और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कम से कम अगर ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद भी चाहे वो मुसलमानों का मसला ना हो, आदिवासियों का हो, दलित का हो, ब्राह्मणों का ही क्यों ना हो, अगर वो भी विक्टिमाइज हो रहे हैं, अगर उन पर भी किसी तरीके से वायलेंस किया जा रहा है, तो ये हमारा बहैसियत मुस्लिम ये बड़ा अहम रोल है कि हम इस चीज़ को समझें कि हम जो है असल में कौम है वो अदल इंसाफ कायम करने के लिए पैदा की। तो ये जो स्ट्रेटेजी और जो जहन में चीज़ें हैं वो हमारे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक कंसेंसस की बात इसलिए अहम है क्योंकि जो प्रोटेस्ट लीड हो रहे हैं, जो उनको लीड कर रहा है, तो उसको ये देखना पड़ेगा उनके ग्राउंड पे कितना कनेक्ट है, क्योंकि अक्सर लोग जो प्रोटेस्ट का फेस भी बने हुए हैं उनके पीछे एक उनकी कम्युनिटी के अफराद नहीं खड़े, ये बहुत संगीन सवाल है। और जब आपको प्रेशराइज करने के लिए टूल्स अपनाने होंगे, आपको मूवमेंट क्रिएट करना होगी, आपको मोबिलाइजेशन लगेगा, तो वो एक ऐसा नहीं है कि आप कोई हुकुम दे देंगे या कोई ट्विटर पे मैसेज सर्कुलेट कर देंगे कि हमको, जैसे कि बात हो रही है दिल्ली के अंदर के
उसका घेराव है, और फिर सिविल डिसोबीडियंस की बात हो रही है। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि आप ट्विटर पे सर्कुलेट कर देंगे, व्हाट्सएप पे पोस्टर बना देंगे, चीजें हो जाएंगी। लगातार इसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस, एक जहन साजी और इस बात की पूरी नॉलेज कि जो चीज हो रही है वो किस तरीके से उनको अफेक्ट कर रही है और उसके दूरदर्श नतज क्या होंगे, ये लोगों के जहन में पूरी तरह मालूम होना बहुत जरूरी है। जब ये चीज मालूम होगी, जब आप ये चीज कन्वे करने के अंदर कामयाब होंगे, तब जाके आप जो है कोई नतज वाली चीजें जो है हासिल कर सकेंगे। ये तो रही जो शॉर्ट टर्म बात थी इस ताल्लुक से। इसके बाद एक अहम चीज ये भी इस मूवमेंट को लेकर है कि बहसीत मुसलमान ये बहुत क्लियरली हमारी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ना हम इस लड़ाई को किसी राइट विंग की तरह ना किसी लेफ्ट विंग की तरह लड़ रहे हैं, बल्कि हम हमारी आइडेंटिटी के साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि ये पूरे इश्यूज जो आप देखेंगे, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, लिंचिंग का मामला हो, असल में वो जो अटैक है वो मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर अटैक है। जो आप पर हमला किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी दाढ़ी है, टोपी है, अगर वो नहीं है तो भी कम से कम आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म ये तो बहुत शॉर्ट चीज़ें, सी ए एनआरसी तमाम चीज़ें जो है हमारे अतराफ आती रहेंगी और मसाइल आते रहेंगे। जो मैंने कुरान की शुरुआत में पढ़ी, इंशाल्लाह मैं आखिर में उसको लेकर रखूँगा चीज़ें। तो ये समझना जरूरी है कि पूरा इस्लामोफोबिक जो कैंपेन है, जो गवर्नमेंट की बुनियादी इस बात पर, पॉलिटिक्स की बुनियादी इस बात पर कि तुम मुसलमानों को डेमोनाइज करो। आप बहुत अच्छी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अकलमंदी की बात एक कही गई थी चाणक्य के जरिए से, कि उसने कहा अपने शिष्य से कि अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लोगों को यूनाइट करो। तो उसने पूछा वो कैसे करेंगे, तो उन्हें कहा कि आपको एक दुश्मन चाहिए जिसके अपोज में आप उनको डरा कर इकट्ठा करो। उसने कहा कि दुश्मन नहीं है तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर तुमको दुश्मन बनाना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान में पहले दलित समाज को दुश्मन बनाकर हिंदुस्तान पर एक तरीके से आइडियोलॉजी ने पूरा राज करने की कोशिश की, और अब मुसलमानों को जो है डिमोनाइज करके, नफरत पैदा करके, उनको एक तरीके से उस पर अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए डर पैदा करके इस चीज़ को करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो लॉन्ग टर्म फाइट हमारी रहेगी वो इस्लामोफोबिया से लड़ने की फाइट। इस्लामोफोबिया पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हिंदुस्तान में उसको लेकिन हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं जिसको वो एड्रेस करते हैं, जिसके ज़रिए से वो इस्लामोफोबिया को फैलाते हैं। तो ये जब हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी लॉन्ग टर्म इश्यूज़ में, तो हमको उसको इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी लड़ना पड़ेगी, सोसाइटीज़ में भी लड़ना पड़ेगी, और हर महाज पर आपको उसको लड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आपको इस मूवमेंट के ज़रिए से इस बात को समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। आखिर में चूंकि वक्त खत्म हो गया है, जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला कहता है कि ज़रूर ब ज़रूर जो है तुमको आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों को और तुम्हारी जानों को। तो वो तुम्हारी बैंक बैलेंस के पीछे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त करने के पीछे, तुम्हें लिंच करने के बहाने से, तुम्हें मारने के बहाने से, वो लोग तो आएंगे, तो चीज़ भी आजमाया जाएगा। इसमें जो सबक है वो ये है कि आप सब्र करो। सब्र का मतलब जो अरबी में वो इस्तेमाल करें कि आप अपने मौकफ पर, अपने स्टैंड पर डटे रहो। या आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, अपने आइडेंटिटी को बचाने की बात करें, हिंदुस्तान की भूख को बचाने की बात करें, तो बहुत अज़्म हौसले से उसको इस्तेमाल के साथ उसको डटे रहना हमको ज़रूरी है। और खुदा दर्जी के ज़रिए से, तकवे के ज़रिए से अपना काम करो, यानी हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो एक शरी दायरे के अंदर होंगी। जब हमें कोई इस तरीके के नारे लगाने कहेगा जो हमारी शरी हदूद के बाहर है तो हम उससे भी नहीं लगाएंगे। जब हमसे कोई हमारी आइडेंटिटी को छोड़ के आने के लिए कहेगा तो हम उससे ही बात कह देंगे कि हम हमारी आइडेंटिटी के साथ लड़ेंगे। और ना हम किसी बिना वजह किसी के ऊपर बहुतान तराशी करेंगे, बल्कि शरी हदूद में रहकर तकवा और तरसी के साथ जो हम हमारा काम करेंगे। आखिरी बात इसमें जो अहम थी वो यही है कि अब तमाम जो कमेटीज़ बन रही हैं जमातें, खासतौर से मुस्लिम जमातें, जो सिनॉप्सिस में दिया गया था वो यही है कि मुसलमानों को ये बात बता दी जाए कि ये तमाम मसाइल जो आपके साथ रहेंगे और आने वाले वक्त भी रह सकते हैं, हमेशा रहेंगे। इसमें असल जो हमें एज ए मुस्लिम ये है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आपको खैर उम्मत का काम करना है, आपको लोगों के नफ़ा का काम करना है। तो वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस जारी रहना चाहिए। हमको हिकमत और मोहब्बत के ज़रिए से दूसरी कम्यूनिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए और उनकी हेट्रेड की पॉलिटिक्स को, उनकी नफरत की पॉलिटिक्स को हराना चाहिए।
और बहुत मोहब्बत के साथ गले लगाकर जो है इस्लामोफोबिया को दूर करना चाहिए। जी सर, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ मिस्टर आदिल खावा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और मोटिवेशनल स्पीकर है। मिस्टर आदिल को एक मोटिवेशनल स्पीकर है और सोशल एक्टिविस्ट भी। जी सर, अब जो है मैं डॉक्टर यूसुफ साहब उन्हें जो है अपनी सोच को इजहार करने का करने के लिए कहता हूं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الله تعالى في مقام الآخر: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. تمام تعریفیں بڑائی بزرگ کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا و سزاوار، لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پر تشریف فرما شہید شاہد اعظمی کی والدہ محترمہ، دیگر معزز و مکرم مقرر حضرات، عفت مار مائیوں بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، اور اسپیشل طور پر میرے میڈیا کے بھائیوں، آج میں میرے بھائی میرے دوست عبدالواحد شیخ کی دعوت پر کرناٹک سے یہاں آیا. مجھے بتایا گیا کہ ایڈوکیٹ شاہد اعظمی شہید کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا ان سے تعلق کس طرح سے ہے. بھائی نے جو کتاب لکھی ہے بے گناہ قیدی، اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا. کسی وجہ سے وہ چیز اس وقت منظر عام پر نہیں آ رہی مصروفیات کی بنا پر. تو پہلے گر سب سے پہلے ایڈوکیٹ شاہد اعظمی صاحب، جن کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو خود ظلم کا شکار تھے، جن پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر جن کو شہید کر دیا گیا، میرے دوستوں ایک موڈس آپرینڈی ہے جو صرف شہید شاہد اعظمی کے ساتھ نہیں بلکہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اصل میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے شہید شاہد اعظمی جیسے لوگوں کو یہ ظالمانہ حکومتیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ہم جو ظلم کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے، ہم جس کو چاہتے ہیں اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کی دفاع کی بھی کوشش کرو. اور اس قانون کے تحت بھی تمہیں دفاع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم دفاع کرو گے تو تم کو تمہارا یہ حال کر دیں گے. اس طرح کا انکانسٹیٹیوشنل میسج دینا چاہتی ہے یہ حکومت. یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے
और अगर ये समझते हैं कि इस तरह से ये आवाज दबा देंगे तो बहुत बड़े गलत फहमी में है मेरे दोस्तों। आज एडवोकेट शहीद आजमी की वालिदा मोहतरमा की तरह उम्मत ने कई मांएं देखी, कहीं नजीर की मां है, कहीं रोहित गर्मिला की मां है, कहीं मुजाहिद नाम के नौजवान भाई की मां है, ऐसे कई मेरे भाइयों की मांएं हैं जिनके बच्चों को जालिमाना तौर पर शहीद कर दिया गया और कई ऐसे हैं जिनको जेलों में डाल दिया गया। आज हम ये जमा हुए हैं, हमें ये पैगाम, ये साफ तौर पर मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो मुसलमानों के अंदर कम से कम जो उनके खमीर में जो चीज पैदा हुई, जो अल्लाह ने उनके खमीर में डालकर भेज दी है, वो आप खत्म नहीं कर सकते। आप मुसलमान पर तो क्या, किसी भी आम इंसान पर जुल्म करेंगे तो उसके खिलाफ इंशाअल्लाह सबसे पहले आवाज उठाने वाला इंशाअल्लाह मुसलमान। ये एज एन इंडियन भी मैं बोलता हूं और एज ए मुस्लिम भी मैं बोलता हूं। तो मेरे दोस्तों अब आइए, जो मौजूद चला हुआ है CA और NRC का, तो मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त हम तारीख यहां से गुजर रहे हैं। You all know this, that we are passing through historic times, just like our forefathers passed through the freedom struggle. और अगर हम जब हम इस तूफान से निकलेंगे तो हम भी अपने औलादों को उसी तरह से बिठाकर दास्तानें सुनाएंगे, बहादुरी की, जाबाजी की, कुर्बानियों की दास्तानें सुनाएंगे, जिस तरह हमारे बुजुर्गान हमें बिठाकर जंग आजादी की कहानियां सुनाया करते। मेरे दोस्तों इस वक्त यह तय करना है कि जो तारीख एक मोड़ पर आकर रुकी हुई है, इस तारीख को हम मोड़ेंगे या यह तारीख हमें मोड़ देगी। आज हम जो किरदार निभाएंगे वो तारीख में दर्ज होगा। मेरे दोस्तों हम बहादुरी दिखाएंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, या फिर हम बुजदिल बनकर खुदगर्जी की जिंदगी गुजारते हुए करियर परस्ती की जिंदगी गुजारेंगे। मेरे दोस्तों तारीख में जो लिखा जाएगा सो लिखा जाएगा, सोचो के नामा आमाल में क्या लिखा जाएगा। मन होती है किताब और होती अमीन, अल्लाह तआला ने कहा कि जिसका नामा आमाल उसके हाथ सीधे हाथ में दिया जाएगा। अगर हमने इस वक्त बहादुरी दिखाई, इस जुल्म के खिलाफ अगर लड़े तो हम उस आयत का मिज़दाक होंगे जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नामा अमल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। अगर हमने खुदगर्जी की जिंदगी गुजारी